हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो NVS LDC का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपने जितने भी कमेंट किए हैं इस वीडियो पर जो इससे पहले हमने डाली थी, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आया था, उसके सारे कमेंट्स मैंने ले लिए हैं इस वीडियो में, तो उसका मैं वन बाई वन आंसर देने वाला हूँ। आपके सारे डाउट्स जो है इसमें क्लियर होएंगे। और आपको डॉक्यूमेंट में ये गलती नहीं करना है, वो क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए, सेकंड है कि बहुत से डाउट आ रहे थे CBT का जो एडमिट कार्ड है वो खो गया है, क्या करें, इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। टाइपिंग का जो एडमिट कार्ड है वो खो गया है। रिजल्ट जो लिस्ट आई थी हमारी, यानी 433 जो कैंडिडेट पास किए गए थे वो किस बेसिस पे किए, आखिर ये हम इसमें जानकारी लेंगे कि आखिर जो रियल फैक्ट है वो क्या है, किस बेसिस पर जो लिस्ट जारी की गई है, ठीक है। दूसरा है कि टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना दूंगा मैं, और जितने भी आपके जो NVS LDC कैंडिडेट बुलाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे टेलीग्राम ग्रुप को बनाने के लिए कि हाँ सर बना लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, तो ही मैं बनाऊंगा। आप जितने कमेंट करेंगे, लगभग 40-50 कमेंट अगर आ जाते हैं कि बना दीजिए एडमिट आप टेलीग्राम ग्रुप, तभी मैं बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो पूरी आप वीडियो देखिए, पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको जो डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है क्या गलती नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जब आया था हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नीचे, तो इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए थे हमको लाने के लिए। तो उसमें देखिए, सबसे पहले जो है आपको आपके जितने भी जो आपके 10th 12th, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज जो भी आपको बोले के आना है, साथ ही साथ उसके साथ जो सर्टिफिकेट मिलता है 10th का, तो मस्ट लेके आइए, सर्टिफिकेट भी लेके आना है, जो मार्कशीट है वो तो लेके ही जाना, ठीक है, ये लेके जाना है आपको, ये कंपलसरी, ठीक है, जितने भी आपके पास है ना एजुकेशनल से रिलेटेड सारे रख लीजिए आप। दूसरा बात करें कि दूसरा पॉइंट बहुतों का डाउट था कि दूसरा पॉइंट क्या सर, तो दूसरे में सिर्फ ये है कि जब इसका फॉर्म शुरुआत में भरा गया था तो वहाँ पर आपसे जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब आपने फॉर्म भरा हुआ तभी उसी समय मांगा गया था। तो अब क्या है, अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आओगे तो उसको आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं इस संस्था में जॉब करता हूँ, ठीक है। तो ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जिसने फॉर्म भरा था, ठीक है। तीसरा यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप SC ST OBC EWH या PS से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, योर कैटेगरी वाला, जो कि होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ठीक है, आपको स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं चलेगा, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ठीक है, और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। OBC के बारे में बोला गया था कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर भी SC ST वाले अगर आप हैं तो अभी बनवा लीजिए, 2-3 दिन में बन जाता अभी टाइम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी मैं इसका और भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। फोर्थ नंबर था कि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको NOC लेकर जाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये ऑलरेडी जॉब वालों के लिए था। इसमें पांचवा पॉइंट था कि आपको जो है एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, पर मैं आपको बताऊंगा कि जो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है आप केवल एक ही लेकर मत जाइएगा, आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जितने भी हैं आप सब ले जाइएगा, सबकी कम से कम 2-3 दिन फोटोकॉपी लेके जाइएगा, ठीक है, दो लेटेस्ट फोटो आप लेटेस्ट तो लेके जाइएगा, दो इसमें दो लेके आप पूरे लेके जाइएगा जितने भी आपने फोटो क्लिक करवाए, ठीक है। साथ ही साथ आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उस समय जो आपके पास फोटो थे ना वो भी लेकर जाइएगा, ठीक है। छठवां पॉइंट इसमें है, अब देखिए जो आप बोले थे ना कि एडमिट कार्ड हो गया है टाइपिंग का CBT का, तो यहाँ पर है सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर लिखा है कि यू आर ऑल्सो एडवाइज्ड, यहाँ पर बोला कि आपको यह भी सलाह दी जाती है, ठीक है, यहाँ पर कंपलसरी नहीं बोला गया, यहाँ पर बोला कि आपको यह सलाह दी जाती है कि आपको जो है डाउनलोड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस चीज़ की मैं जरूर बोलूँगा, ये आप जरूर लेके जाइएगा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, क्योंकि ये आपको अवेलेबल हो जाएगा जैसे ही आप, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल लेटर डाउनलोड करते हैं वहीं पर आपको साइड में दिख जाएगा ये चीज़, तो ठीक है। अब इसके बाद एडमिट कार्ड नहीं है CBT का, तो वो क्या करें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एडवाइस लिखा है, ठीक है, बहुतों के पास नहीं है, मैं अभी आपको कमेंट दिखाऊंगा कितने स्टूडेंट्स के पास ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद है कि कॉल लेटर ऑफ स्किल टेस्ट, इसको स्किल टेस्ट का भी अगर खो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको जो है एक आप इसको प्रेफर करिएगा, ये आपको मैंडेटरी होना चाहिए, और एक आपका जो अभी DB का है वो लेके जाइएगा, अगर जब नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। चलिए हम अब देख लेते हैं कि आपके कमेंट्स क्या रहे थे, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ज्योति तो हमारी ये लिखती है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या, तो मैंने आपको बता दी जो सेकंड पॉइंट वाला था कि वो कंपलसरी नहीं है, वो उन्हीं के लिए जिन्होंने स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई किया था। यहाँ पर बोला गया कि प्रेम जी लिखते हैं, भाई स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड खो गया हेल्प, तो मैंने अभी बताया था आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर ये जतनीस कुहार करके भी ये लिखते हैं कि CBT का एडमिट कार्ड मिसप्लेस हो गया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है अगर खो गया है, बहुतों के पास नहीं है ये एडमिट कार्ड, क्योंकि बहुत दो साल हो चुके हैं लगभग, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर है तो लेके आइएगा, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर OBC की सेंट्रल कार्ड अभी बना सकते हैं, बिल्कुल अभी भी बना सकते हैं आप, ठीक है, अभी नहीं बनी है तो जल्दी से बनवा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि अब जी प्रियांशु करके लिखते हैं,
कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और लिंक सेंड कर दो। तो मैं इसी के लिए बोल रहा था कि या तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, तो उसकी मैं लिंक दे दूंगा। तो उसके लिए अगर आप यस करते हैं कमेंट में कि हाँ टेलीग्राम लिंक आप लिख दिए टेलीग्राम यस, तो कम से कम 40-50 कमेंट आते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आप डिस्कशन कर लीजिएगा आपस में जो भी करना। ठीक है, इसके बाद ठीक है तो वो उसको अगली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। अगर 40-50 कमेंट आते हैं तो कल ही मैं इस पर वीडियो बना के ग्रुप बना के आपको इसकी लिंक सेट कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूनम जाकर लिख दिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है क्या, इसमें मेंशन तो नहीं है। तो आप देखिए मेंशन नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो लेके जाइए, बाकी 10th 12th का तो लेके जाइएगा क्योंकि वो तो उसके बिना तो होगा नहीं। ठीक है, अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना कंपलसरी नहीं है उसमें। इसके बाद में अगर बात करूँ दोस्तों, एक चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो तो आप लेके जाइएगा, साथ ही साथ आपको क्या करना है जो है जितने भी आप डॉक्यूमेंट ले आ रहे हो ना उनकी कम से कम दो दो सेट लेके जाइएगा। ठीक है, दो दो सेट लेके जाइएगा और घर से ही उनको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाइएगा, वहाँ पर जाके मत कीजिएगा, घर से ही बढ़िया। आप क्या लिखना है आपको, ऐसे ही डॉक्यूमेंट है मान लीजिए, ठीक है, दो दो सेट बना लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट के और ओरिजिनल रखिएगा। मान के चलिए ये डॉक्यूमेंट है, कुछ नहीं लिखना आपको, इस तरीके से सेल्फ अटेस्टेड लिख लेना है उस पर। ठीक है, वहीं नीचे आपके जो है साइन कर देना। ठीक है, इस तरीके से बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो समीर सिंह लिखते हैं पासवर्ड भूल गया गए हैं प्लीज़ से हाउ कैन, तो ये आपका जो NVS का जो पासवर्ड था वो भूल गए, तो आपको ईमेल आईडी पे जो है आपकी पासवर्ड वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फॉरगेट पासवर्ड का था तो आप वहाँ पर कर लीजिए। ये बोल रहे हैं कि इनका नाम कट चुका है, जो एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर से वेरीफाइड हुआ था वो खो गया है, मैं उसका दूसरा प्रिंट लेके आ सकता हूँ, वहाँ कोई सा भी प्रिंट चल जाएगा। ठीक है, वो पुराना हो चुका है वैसे भी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये भाई लिखते हैं रमेश दरत, हेलो सर आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम कॉल। तो दोस्तों आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप जाइए इंस्टा पर, जाइए इंस्टा पर जो है आपको डाल देना है जो मेरे चैनल का नाम है दी एग्जाम हेल्पर। ठीक है, दी एग्जाम हेल्पर करके डाल दीजिएगा आप, जो कि मेरे चैनल का नाम है, उससे आप इजीली आपको मिल जाएगा, इसी तरह का लोगो आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए और मुझसे सवाल पूछ लीजिए। यहाँ पर बोल रहे हैं अनुसिंह, एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है सर मेरा और लॉगिन करने पर डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करें। तो वो लॉगिन करने पर जरूर डाउनलोड होगा, आप ट्राई कीजिए, ऑनलाइन पर चले जाइए तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने खुद किया आपने डाउनलोड। इसके बाद बोले हैं कि सर CBT का एडमिट कार्ड मिसप्लेस हो गया, आरती लिखती है, तो मैंने भी बताया कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अब हम बात कर लेते हैं, देखिए मैं आपको बता दूँ हमने क्या क्या देख लिया इस चीज़ में, इस वीडियो में दोस्तों अभी रुक जाइएगा, अभी और एक और इन्फॉर्मेशन लगी आपके लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट में बता दी क्या गलती नहीं करें, CBT का एडमिट कार्ड जरूर लिखा है, टाइपिंग का। अब ये चीज़ और बता देता हूँ मैं, टेलीग्राम का मैंने बता दिया ये चीज़ कि रिजल्ट जो है लिस्ट किस बेसिस पर बनी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में आना है, वहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। दोस्तों ये देखिए जो हमारी ये लिस्ट आई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये वो लिस्ट है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में आना है और आपको एक चीज़ करना है। देखिए ये स्टार्टिंग के आप जितने भी है ना, एक से लेकर 100 तक, एक से लेकर 100 नंबर तक, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी रैंक लिखनी है, इसी के हिसाब से रैंक नाम लिख देना है और आपके जो भी नंबर है वो लिख दीजिए, कैटेगरी तो यहाँ से पता चल जाएगी, बस आप नंबर लिख दीजिए कि अंकित जी हैं मेरे, आप बोल दें कि मेरे 105 हैं, 102 हैं या 100 है, तो आप इस तरीके से नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे ये है 8वें नंबर पर, तो आप 8 नंबर लिखिएगा ऐसे करके, इस तरीके से सिलेक्ट कर दीजिएगा और नाम लिख दीजिएगा अपना अजय कुमार और सिलेक्ट करके नंबर डाल दीजिएगा जितने भी आपके नंबर आ रहे थे। ठीक है, आपके आंसर के हिसाब से तो आपको कर देना 1 से 100 नंबर तक कर दिया, या फिर जितने भी कैंडिडेट सब कीजिएगा, बट ऊपर वाले जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी हमको मालूम पड़ पाएगा कि ये लिस्ट है आखिर नंबर वाइज है या और कुछ इसका मैटर है। ठीक है, इससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि ऊपर वालों का ही होगा या नीचे वालों का होगा या किसी का भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाले जो है ना वो भी अपना कमेंट करें, क्योंकि लास्ट भी हमें पता चलेगा अगर आपके मिनिमम मार्क्स हैं तो ये 100% मार्क्स वाइज हो सकती है। ठीक है, अपना नाम डाल देना 433 नाम डाल देना, श्याम सिंह जो भी है। ठीक है, और अपने नंबर डाल देना, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सारी बातें कर ली, तो जल्दी मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो उसके लिए आप भर भर के कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके लिए मैं कल ही वीडियो या आज ही प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।